अभिवादन करते हुए आज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमारा है एसोसिएशन, लेकिन हमें मजबूत करना है भारत नेशन को मजबूत करना है तो दलितों को मजबूत करना होगा, भारत को मजबूत करना है तो यहाँ के गरीबों को मजबूत करना होगा, भारत को मजबूत करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत मजबूत करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में रिजर्वेशन दे दिया है उस रिजर्वेशन का अमल ठीक ढंग से होना चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज है, यहाँ मतलब हमारे अर्जुन मेघवाल जी आपके पेट्रोन है, यहाँ बहुत सारे एमपीज भी इधर आए हैं, अशोक कुमार जी आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, भैरवा जी अध्यक्ष हैं, हमारे हरणोटिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, यहाँ सावित्रीबाई फुले का नाम आजकल बहुत नजर आ रहा है, तो हम लोग जो है जरूर हम पार्टी में है, मेरी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बीजेपी से मेरी पार्टी एनडीए का मेंबर है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्थापित हुई मेरी पार्टी है, और एससी एसटी एक्ट जो है 1989 में जो एक्ट पास हुआ, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे थे और सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सभी पार्टियों ने एक मत से इसका सपोर्ट किया और ये कानून पास हुआ। ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, अगर एट्रोसिटी एक्ट अगर किसको लगता है तो उसको एक डेढ़ महीना बेल मिलता नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के सुभाष काशीनाथ महाजन इनका महाराष्ट्र मुंबई हाईकोर्ट ने इसका रीट पिटीशन डिसमिस कर दिया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस के बारे में बोलने की आवश्यकता थी, जजमेंट देने की आवश्यकता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 90% केसेस फॉल्स होती है इसी तरह का डायरेक्शन भूमिका दे दी। कोई एसएसपी लेवल का जो ऑफिसर है वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक केस दर्ज नहीं होगी, तो ये अन्यायकारक हाईकोर्ट का फैसला था, और इसीलिए मतलब पहले दिन से मैं अर्जुन मेघवाल जी हमारे थवरचंद गहलोत जी हम अमित शाह जी को मिले, अमित शाह जी ने पहले दिन ही रविशंकर प्रसाद जी को बोला था कि अपने को रिव्यू पिटीशन करना है, लेकिन उसमें 4-5 दिन छुट्टी के चले गए, इसीलिए 8-10 दिन चले गए, उसमें 8-10 दिन में गए। सरकार का काम तो एकदम फटाक से तो होता नहीं है, सरकार का काम फटाक से होता नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का आवाज नहीं आता है, नहीं नहीं आवाज, गवर्नमेंट का जो काम होता है वो तो थोड़ा शेड्यूल्ड होता है, मतलब अभी गवर्नमेंट को अगर वहाँ आवाज आती नहीं क्या, नहीं नहीं मतलब गवर्नमेंट का जो काम होता है उसके लिए 7-8 दिन चले गए, लेकिन रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसका भी रिट पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिट पिटीशन किया है, तो बहुत सारे रिट पिटीशन है, देखते हैं अभी 10 दिन में कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला कोई उल्टा सीधा आएगा तो ऑर्डिनेंस निकालने के संबंध में हम पीएम से बात करने वाले हैं, अभी मैं पीएम जी के पास जा रहा हूँ, तो एससी एसटी एक्ट को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारा जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में रिजर्वेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इसी तरह का फैसला देकर हमारे एम्प्लॉयज पर अन्याय करने की कोशिश की है, तो प्रधानमंत्री जी को
रामविलास पासवान जी, थवरचंद गहलोत जी, अर्जुन मेघवाल जी, मैं, टमटा जी, हम सब लोग मिले और प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और उसके लिए बिल लाना चाहिए, ये भूमिका हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है। तो कानून बनना चाहिए, रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डालना चाहिए। अगर 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन आ जाएगा तो किसी को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। तो कोशिश तो जारी है हमारी सरकार, जिस सरकार के साथ हम है, बातें तो उल्टी सीधी होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, करना चाहिए, लोकतंत्र में होते रहता है। लेकिन जिस सरकार के साथ मैं हूं, वो सरकार दलितों के बारे में अच्छा सोचती है, कल राजनाथ सिंह जी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, बातें उल्टी सीधी होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप करने का हर एक अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरह बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान ना होता तो चाय भेजने वाला नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री ना होता था। तो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का एक बहुत ही मजबूत ताकत हमारे साथ है और जब तक बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान हमारे साथ है तब तक हमारा कोई भी बाका नहीं कर सकते है। और इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। रेलवे में पीयूष गोयल जी हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अगर किसका प्रमोशन होगा और कोई काम आपका होगा तो मैं भी आपको मदद करूंगा। आपका एसोसिएशन वैसा तगड़ा एसोसिएशन है, मतलब तुम्हारा एसोसिएशन है तगड़ा, तुम्हारा एसोसिएशन है तगड़ा, मगर मत करो आपस में झगड़ा। नहीं कोई झगड़ा भी नहीं है मतलब। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, सुबह से आप लोग पूरे देश भर से आए हैं और आपके एसोसिएशन का मैं, मेरी पार्टी पूरा सपोर्ट करते हैं और जब भी कोई आपको डिफिकल्टी होगी तब आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और जो भी मदद आपको चाहिए वो मदद हम आपको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।